लॉट ऑफ स्टूडेंट्स की पासकिंग मी सर हमारा एमबीए करने का मन तो है बट हमारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड उतना हम्बल है कि हम 20 लाख रुपीज प्लस की फीस वाले जो एमबीए कोर्सेज हम लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते बिकॉज इतना बड़ा लोन लेना भी अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आई अग्री विथ योर थॉट बिकॉज मैं भी उन्हीं गलियों से गुजरा हूँ सो आई नो एग्जैक्टली वॉट इट टेक्स टू फील दैट मेरे ऊपर 20 लाख रुपए का लोन चढ़ा हुआ है। Hence, in this particular video, I am going to talk about 10 colleges which give you an amazing ROI on your MBA investments. यहाँ पे fees बहुत nominal है. So, सबसे पहले है FMS Delhi. CAT के through admission लेता है. 98 percentile इसका cut off होता है. 2 साल का MBA का fees है सिर्फ 25,000 रुपए. हाँ जी, सिर्फ 25,000 रुपीज में ये आपको 2 ईयर का MBA देता है। ऑफ कोर्स इसमें रेजिडेंशियल फैसिलिटी नहीं है सो यू हैव टू स्टे आउटसाइड टेक अ फ्लैट और पीजी एंड आपको डेली कम्यूट करना पड़ेगा। इसका एवरेज प्लेसमेंट्स है 21 लाख रुपए साल के। जी हाँ, 21 लाख रुपए। इसके बाद आता है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का 2 ईयर MBA प्रोग्राम जहां पे दे गिव यू एन MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस और HR 36,000 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 36,000 रुपए में 2 ईयर MBA प्रोग्राम है जिसका एवरेज प्लेसमेंट 8 से 10 लाख रुपए साल का है। क्या बुरा है। इसके बाद आता है DFS अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी, 2 साल का MBA प्रोग्राम है सिर्फ 26,000 रुपए में एंड इसका एवरेज प्लेसमेंट है 11 लाख रुपीज पर एनम। दीज आर स्टेटिस्टिक्स, सो दीज आर नॉट थिंग्स विच आई हैव मेड, एक्चुअली ऐसा है। फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, TISS जिसको बोलते हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलेजेस जहां पे अगर आपको MBA इन HR करना है तो इससे अच्छा इंडिया में मेरे हिसाब से सिर्फ एक्सेलरा ही होगा। यहाँ का MBA इन HR कॉस्ट ओनली 1 लाख रुपीज और इसका एवरेज प्लेसमेंट है 14 लाख रुपीज। जी हाँ, आई रिपीट, 1 लाख रुपीज इसका MBA का कॉस्ट है, द 2 ईयर MBA एट TISS इन HR एंड इसका एवरेज प्लेसमेंट है 14 लाख रुपीज। इसका एंट्रेंस एग्जाम एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे बोलते हैं TISS NET, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज NET। देन KJ सुमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है मुंबई में, इसका एक प्रोग्राम है जिसे बोलते हैं MMS, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो KJ सुमैया का ये जो कोर्स है इसमें 130 सीट्स होती है, इसका फीस है सिर्फ 2 लाख रुपीज, सो 2,04,000 रुपीज टू बी प्रेसाइज एंड इसका एवरेज प्लेसमेंट है 9,20,000 रुपीज। यस, यू हर्ड इट राइट, फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख रुपीज you get an MBA from KJ Somaya which is technically termed as MMS and the average placement is 9,20,000 rupees. Similarly, Pune University ka Department of Management Studies just like Delhi University offers a 2 year MBA for 1,30,000 rupees. Only 1,30,000 rupees and iska average placements utna great nahi hai but still 5.94 lakhs around 6 lakh rupees per annum ka aapko job mil jata hai jo ek typical मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत हाई होता है। देन आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का FMS फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का कोर्स है, वो भी इक्वली लुक्रेटिव है, सिर्फ 98,000 रुपीज में आपको 2 ईयर MBA करके बहुत अच्छा प्लेसमेंट देता है। देन यू गॉट IIT बॉम्बे विच ऑफर्स द 2 ईयर MBA फॉर 8,30,000 रुपीज। ओनली 2 ईयर MBA फॉर 8,30,000 एंड इसका एवरेज प्लेसमेंट 17.5 लाख रुपया है IIT बॉम्बे का 2 ईयर MBA। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का जहां MBA इन HR सिर्फ 1 लाख रुपया कॉस्ट करता था, दे हैव दिस PGDBM प्रोग्राम विच कॉस्ट 8,24,000 रुपीज एंड इसका एवरेज प्लेसमेंट है 9,20,000 रुपीज। IIT दिल्ली का डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का 2 ईयर MBA का प्रोग्राम है सिर्फ 8 लाख रुपीज, नॉट 20 लाख रुपीज एंड इसका एवरेज प्लेसमेंट 16,30,000 है। निटी बॉम्बे जिसमें बहुत सारे इंजीनियर स्पेशली जाते हैं, 7 लाख रुपीज में इसका MBA हो जाता है एंड इसका एवरेज प्लेसमेंट 16 लाख प्लस। देन जमनालाल बजाज, इसका MBA का कॉस्ट है सिर्फ 6 लाख रुपीज एंड एवरेज प्लेसमेंट इज 19 लाख रुपीज। एंड देन यू गॉट IIT रुड़की जिसका डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का 2 ईयर MBA का फीस 8 लाख रुपीज है एंड एवरेज प्लेसमेंट 9 लाख रुपीज है। सो हियर आई वॉन्टेड टू जस्ट ब्रेक द मिथ कि MBA करना इंडिया में इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। व्हाट द टैलेंट, देयर आर दिस सो मेनी इंस्टीट्यूट्स व्हिच ऑफर MBA एट अ वेरी नॉमिनल फीस, तो आप यहां से MBA करके भी अपना अपना करियर जरूर अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।